सिंबल, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने फाइनली ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। बस अभी बात दिल में ठान लो कि ऑफिस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। बिल्कुल डैड, इनफैक्ट मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को मेरी कितनी जरूरत है। तबरेज बहुत खामोश लग रहा है। तुम्हें संभल के इस डिसीजन पर कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं सर, मुझे क्यों एतराज होगा? बल्कि आई एम ग्लैड संभल ने ऑफिस ज्वाइन किया। वैसे भी सर काम का काफी बर्डन था मुझ पर, मैंने एक हफ्ते के लिए अपने घर भी जाना है, सो अच्छा है सुबुल काम संभाल लेगी। एक हफ्ते के लिए क्यों? मेरे भाई की शादी है सर। शादी एक दिन की होगी, 7 दिनों की छुट्टी का क्या मतलब है तबरेज? मेरे सगे भाई की शादी है सुबुल। सर मैं इतने दिनों बाद अपने घर जा रहा हूं, मेरी पूरी बिरादरी होगी वहां पर, सारे घर वाले होंगे, मैं एक दिन में वापस तो नहीं आ सकता ना? एटलीस्ट 7 दिन तो मैं वहां पर गुजारूंगा। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं मैं तुम्हारी इस बेचैनी को। मुझे समझ नहीं आता सुंबुल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जब से दुर्योधन यहां से गई है सर, मेरा तो उसे कांटेक्ट तक नहीं हुआ है। तुम क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं करती हो? जब तक तुम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। तबरेज़ तुम कोशिश करना जल्दी वापस आ जाओ। ट्रेडर्स से भी हमारी नेक्स्ट वीक मीटिंग है और तुम जानते हो मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी रहती नहीं है। ऑब्वियसली सर, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन सर आप प्लीज सुंबुल को समझाएं, बच्चों की तरह रिएक्ट करती है। इतनी दफा मैंने इसको समझाया है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसको मेरी बात में यकीन ही नहीं आता।